नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, अब बारी है नतीजों की। नतीजों की बात करें 10 तारीख को सबके सामने नतीजे आ जाएंगे, और अगर जो आप 10 तारीख को सबसे पहले नतीजे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्लिक कर लें, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हो नतीजों को लेकर एक एक विधानसभा सीट का हम यहाँ पर हाल बताने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की 10 प्रमुख सीटों में से किसको किस सीट पर जीत मिलती हुई दिख रही है। आज की जो 10 प्रमुख सीटें हैं उसमें डुमराव विधानसभा सीट, इमामगंज, ब्रह्मपुर, राघोपुर, हसनपुर, बांकीपुर, गोविंदगंज, किशनगंज, सिकटी, मधोपुर, ये 10 विधानसभा सीटें आती हैं। देखने वाली बात होगी इन पर किसका पलड़ा भारी रह सकता है। बता दें कि कल जो भी एग्जिट पोल निकल कर आया आपने देखा किस प्रकार से NDA और RGD यानी कि महागठबंधन में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी साफ साफ महागठबंधन दिखाई दे रहा है कि मेजॉरिटी से वो सरकार बिहार में बना सकता है। यानी कि यहाँ पे जो नीतीश कुमार है उनकी वापसी तय है, और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए मिल सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं, जो हम 5-10 VIP सीटों के बारे में बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले जो सीट निकल के आता है वो आता है इमामगंज का। तो इमामगंज सीट की बात करें तो बिहार के पूर्व CM और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यानी कि हम के प्रमुख जीतन राम मांझी का मुकाबला इस बार 4 बार के विधायक और दलित नेता RGD के उदय नारायण चौधरी के साथ है। वहीं बात करें, मांझी वर्तमान में इमामगंज के विधायक भी हैं। इस सीट पर RLSP के जितेंद्र पासवान भी मैदान में है। देखने वाली बात होगी यहाँ से LJP से शोभा सिन्हा भी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं विधानसभा में अपर कास्ट हिंदू और मुसलमानों की संख्या भी अधिक है। लेकिन बात करें इमामगंज, ये जो सीट है ये जाती हुई दिखाई दे रही है RJD के खाते में, यानी कि RJD के उदय नारायण चौधरी इमामगंज की सीट जीत सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डुमराव विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे राजपूत और ब्राह्मणों का एक पारंपरिक गढ़ है डुमराव, और पिछले 10 सालों की बात करें तो JDU के कब्जे में है, यानी कि JDU के कब्जे में है। और इस बार JDU ने अंजुम आरा को मैदान में उतारा है, और जिनका सीधा मुकाबला CPIML के अजीत कुमार कुशवाहा और निर्दलीय शिवांग विजय से देखने को मिल रहा है। लड़ाई वैसे तो 3 तरफा है। शिवांग एक होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएट भी है, और बात करें यह जो सीट है डुमराव की, ये CPIML अजीत कुमार कुशवाहा के खाते में जा सकता है एग्जिट पोल के हिसाब से। वही ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की बात करें, ये लालू यादव का गढ़ माना जाता था, और बात करें यहाँ पे RJD के शंभू सिंह यादव चुनाव जीत सकते हैं। वही बात करें राघोपुर विधानसभा सीट बहुत ही फेमस रही है, क्योंकि यहाँ से तेजस्वी यादव खुद मैदान में है, महागठबंधन की तरफ से CM पद के जो उम्मीदवार हैं, और भाजपा के सतीश कुमार उनके सामने हैं। और बात करें यहाँ पे तेजस्वी यादव यानी कि RJD वाली सीट निकाल सकती है। हसनपुर विधानसभा सीट की बात करें, तेज प्रताप जिन्होंने 2015 में महुआ से चुनाव लड़ा था, हसनपुर की सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने चले गए। ऐसी अफवाह यह भी जताई जा रही थी कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या महुआ से NDA के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है, इसलिए उन्होंने अपना टिकट बदल दिया, अपने सीट को बदल दिया। हसनपुर में तेज प्रताप को JDU के विधायक राजकुमार राय के खिलाफ खड़ा किया गया है। 2010 में इस सीट पर बात करें जो राजकुमार राय जीते थे, और समस्तीपुर जिले के यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप ने क्रिकेट खेलते हुए ट्रैक्टर चलाते हुए वोट मांगे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर कौन जीतता है, लेकिन जो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है उसमें RJD यानी कि तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि BJP से कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा यहाँ से मैदान में है, और कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला 4 बार भाजपा के विधायक नितिन नवीन के साथ है। वहीं मैदान में अन्य उम्मीदवार प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुकी हैं। और बात करें ये जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, यहाँ से लव सिन्हा चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ से जो चुनाव जीत सकता है वो BJP के नितिन नवीन हैं। आगे बात करें गोविंदगंज विधानसभा सीट की, तो चिराग पासवान के BJP के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी LJP ने गोविंदगंज जो विधानसभा सीट है यहाँ से BJP के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। यहाँ पे बात करें कांग्रेस के राजू तिवारी
और यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है उनके खिलाफ ब्रिजेश पांडे और भाजपा के सुनील मणि त्रिपाठी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। और बात करें जो गोविंदगंज सीट है ये भाजपा के सुनील मणि तिवारी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। किशनगंज विधानसभा सीट की बात करें यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली बार AIMI चुनाव लड़ रही है और बात करें यह सीट कांग्रेस के इजराइल हुसैन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यह जो सीट है किशनगंज यह मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और अल्पसंख्यक वोटों का यहाँ पे जो खाका है वो बहुत ज़्यादा है। सिकटी विधानसभा सीट की बात करें यह सीट भी आपका BJP के विजय मंडल के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो मधेपुरा सीट की बात करें तो यह यहाँ से RJD के चंद्रशेखर चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों यह था 10 जो VIP सीटें थी 10 बड़ी सीटों का एग्जिट पोल और मैंने बताया आपको कहाँ से कौन कौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, जिसमें CPIML के बारे में मैंने बताया जहाँ से CPIML के अजीत कुशवाहा डुमराव से चुनाव जीत सकते हैं। इमामगंज की जो सीट है वो RJD के उदय नारायण चौधरी के खाते में जा सकती है। ब्रह्मपुर सीट भी आपका जो RJD के कैंडिडेट है शंभू यादव ये निकाल सकते हैं। वहीं राघवपुर तेजस्वी यादव, हसनपुर जो आपके तेज प्रताप यादव इनके खाते में जा सकती है। बाकीपुर सीट जो है वो BJP के खाते में आ सकती है। गोविंदगंज भी BJP के खाते में, किशनगंज सीट कांग्रेस के खाते में, सिकटी विधानसभा सीट ये आपका BJP के खाते में आ सकती है और मधोपुर विधानसभा सीट की बात करें यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं ये आपका RJD के खाते में आ सकती है जहाँ से चंद्रशेखर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों ये था बिहार के 10 बड़ी या VIP सीटों का एग्जिट पोल। बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।